हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी विथ राम में आपका सर्वप्रथम मैं आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं आज पर्यावरण सेकंड पार्ट पे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूं, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखते हैं दोस्तों, आज के टॉपिक पर जो पर्यावरण का सेकंड पार्ट है पारिस्थितिक तंत्र से। तो दोस्तों देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1957 में हाइसन ने पारिस्थितिक कर्मता की अवधारणा को प्रसिद्ध बनाया था। किसने? हाइसन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदूषित जल से हैजा, तपेदी, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, टाइफाइड, पेचिस आदि रोग होते हैं। दोस्तों, प्रदूषित जल पीने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? हैजा, तपेदिक, पीलिया, इसको हम टीबी बोलते हैं दोस्तों, अतिसार, मियादी बुखार, टाइफाइड, पेचिस, इतने सारे रोग हो जाते हैं किसके से? प्रदूषित जल पीने से। एबेस्टस से एक एबेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, पारा से दोस्तों कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि पारा से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट, कैडमियम से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। दोस्तों कौन कौन से? इटाई इटाई रोग, किसकी कमी कार किसके कारण? कैडमियम से। नेक्स्ट, आर्सेनिक से ब्लैक फुट, मस्सा आदि उत्पन्न होते हैं। कौन से रोग होते हैं आर्सेनिक से? ब्लैक फुट और मस्सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तेल रिसाव से पारिस्थितिकी तथा पोषण स्तर का विनाश होता है। किसके कारण से? तेल के रिसाव से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सांद्रण विधि से कुपोषण होता है। सांद्रण विधि से क्या होता है दोस्तों? कुपोषण। नेक्स्ट, अत्यधिक लवणता से मृदा क्षारी हो जाती है। यदि कोई मिट्टी अधिक लवणता है तो उसमें यानी उसकी मिट्टी क्या हो जाएगी? क्षारी हो जाएगी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा से बंध का क्या हो जाता है दोस्तों? विनाश होता है। नेक्स्ट, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कौन सा रोग होता है नाइट्रोजन की कमी से? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम को मियाबो ग्लोबिनेमा नाइट्रेट साइनोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह शरीर में रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह पेयजल 45 ppm से अधिक नाइट्रेट आयन की मात्रा होने पर होता है। कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है दोस्तों? डेसीबल से, जिसका संकेत क्या है? डीबी। नेक्स्ट, ध्वनि विज्ञान को श्रवण विज्ञान या एकाउस्टिक्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, वीडियो अंत तक देखा करिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिल सके, आपको बहुत सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, मनुष्य 20 Hz से 20,000 Hz तक की आवृत्ति को ध्वनि सुनने में समर्थ है। किसमें? 20 Hz से लेकर 20,000 Hz के बीच में यदि है तो फिर इसे मनुष्य आवाज़ सुन सकता है। 20 Hz से ना कम और 20 Hz से अधिक व्यक्ति नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है, मैग्नेसाइट मिट्टी को क्षारी बनाता है। मैग्नेसाइट मिट्टी क्या बनाता है दोस्तों? क्षारी बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, मृदा प्रदूषण रोकने के प्रयास। पहला है, हानिकारक रसायनों और विदेशी अशोधित उर्वरकों पर प्रतिबंध होना चाहिए। नेक्स्ट, झूमिंग कृषि पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसी प्रकार, बाढ़ द्वारा नष्ट हुई उत्पादक भूमि को तथा मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए योजना बनानी चाहिए। वन कटाव पर प्रतिबंध होना चाहिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।